नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में सम्मान समारोह, अपनी धर्म पत्नी मल्लिका नड्डा जी के साथ उनका आगमन। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र से खेल प्रभाग ने किया माइंड पावर डेवलपमेंट थ्रू राजयोगा मेडिटेशन राष्ट्रीय अभियान का आगाज, 150 इंटरनेशनल, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स हुए शामिल। और आज एक नजर में होंगी ब्रह्म कुमारीज की गतिविधियों से जुड़ी 10 खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी अपनी धर्म पत्नी श्री मल्लिका नड्डा जी के साथ ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पहुंचे। श्री जेपी नड्डा जी के आगमन पर शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें नड्डा जी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी के साथ स्टेज पर पहुंचे। माननीय नड्डा जी का आगमन संस्था के मुख्यालय में पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार उनका अपनी धर्म पत्नी जी के साथ आना ब्रह्म कुमारीज के लिए अत्यंत हर्ष का मौका रहा। इस पुण्य वेला पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कर्नाटक और राजस्थान के बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद देवराज पटेल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। डायमंड हॉल में सभी की मौजूदगी में सर्वप्रथम श्री जेपी नड्डा जी का संस्था के पदाधिकारियों ने सम्मान किया। डायमंड हॉल के मंच से बीजेपी अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण बातों का ऐलान किया। चलिए आइए सुनते हैं कि वो क्या है। अत्यंत खुशी की बात है कि मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं ज्ञान सरोवर के परिसर पर भी गया था और मैंने याद किया कि 10 वर्ष पहले मैं ज्ञान सरोवर में राजयोग के अभ्यास के लिए आया था। मैं ब्रिजमोहन जी की बात से अपने आप को आत्मसात करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और हमारे तमाम साथी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सकारात्मक भावों के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम उस रास्ते पर चले हैं। इस बात की भी अत्यधिक खुशी है कि जब आप समाज के चैलेंजेस की बात करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ आर्य जगत, भौतिक जगत का ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जो हमारे बीच में भी फ्रिक्शन, घर्षण, तनाव, इसको भी शांत करने का जो आपने रास्ता राजयोग के माध्यम से बताया है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं अध्यात्म के बारे में ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसको अनुभूत करने की जरूरत होती है। वो व्यक्तित्व में और वक्तृत्व में बहुत बोला जा सके इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब मैं यहां आता हूं तो मैं इसको पावर हाउस मानता हूं। यहां से हम सकारात्मक ताकतों का, पावर का सृजन करते हैं और सृजन करने के पश्चात समाज में अच्छे काम में लगाने का हम प्रयास करते हैं।
आप मुझे बारंबार बुलाएं, इसमें मेरा भला होगा क्योंकि मैं पावर हाउस से जुड़ूंगा और ज्यादा पावर लूंगा, और पावर लूंगा तो पार्टी में पावर दूंगा भी, और दूंगा तो वो आगे काम में आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबने हमारे और हमारे साथियों को यहां आने का सौभाग्य दिया, हमारे वरिष्ठ राजस्थान के नेता सभी यहां पर आए हैं, उनको भी ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। इसके पश्चात बीके ब्रिजमोहन भाई जी, बीके मृत्युंजय भाई, बीके जयंती दीदी और बीके मुन्नी दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेष कार्य जो इस गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि योगा का नाम सारे विश्व में फैलाया है। मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूँ कि अगर आज जो देश तबाही की ओर जा रहे हैं, जिनके अंदर इतना भयंकर युद्ध चल रहा है जिसको हम रशिया कहते हैं, यूक्रेन कहते हैं, भारत के तो दोनों से संबंध अच्छे हैं, अगर उन दोनों के राष्ट्रपति महिला होते तो आज ये युद्ध नहीं होता। आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगनी प्यारे बाबा के आशीर्वाद से, प्यारी दादियों के आशीर्वाद से होती रहे, ऐसी मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था के खेल प्रभाग द्वारा जम्मू से माइंड पावर डेवलपमेंट थ्रू राजयोग मेडिटेशन राष्ट्रीय अभियान का उद्घाटन हुआ। इसमें उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर से 150 इंटरनेशनल, नेशनल एवं स्टेट प्लेयर शामिल हुए। बीसी रोड सेवा केंद्र पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सरदार फारूक खान, चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव गोपाल शर्मा, खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मेहरचंद, बीके जगबीर, नॉर्थ जोन के संयोजिका बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राजेंद्र ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन के पश्चात प्रभाग के सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस से एकाग्रता शक्ति बढ़ने की जानकारी तथ्यों के आधार पर दी, तो वे कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों ने सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कार्यक्रम के पश्चात शहर में जागरूकता के लिए रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे रवानगी देने के लिए महापौर चंद्रमोहन शर्मा, उप महापौर पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राइनोस जिम पर समाप्त हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकोट के अवधपुरी, बिहार के आरा, मध्य प्रदेश के रीवा और महाराष्ट्र के सटाना में डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उनकी झलकियां। सबसे पहली खबर राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र की, जहां शुगर एवं बीपी निशुल्क जांच शिविर का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में डॉक्टर निकुंज विराडिया और डॉक्टर किशन ने शिविर का लाभ लेने आए 55 लोगों की जांच की और सेहत के प्रति जागरूक करते हुए उचित सलाह दी। तो वहीं बीके रेखा ने डॉक्टर्स को तनाव से बचने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर अवधपुरी सोसाइटी के आगेवान मौजूद रहे। इसी तरह से मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र, बिहार के आरा सेवा केंद्र और महाराष्ट्र के सटाना सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। अब 10 खबरें एक नजर में। गुजरात के गांधीनगर में कल तरुण प्रोजेक्ट के तहत भव्य कार्यक्रम। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, महापौर हितेश भाई मकवाना, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, विधायक श्री शंभूजी ठाकरे, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश दीदी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। बीके उषा दीदी ने कल तरुण प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के रिवालसर में बौद्ध गुरु श्री दलाई लामा का 87वां जन्म दिवस समारोह। ब्रह्मा कुमारी रिवालसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमा हुए समारोह में शामिल। श्री दलाई लामा जी की दीर्घ आयु के लिए की प्रार्थना। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीके सोमा ने दी राजयोग मेडिटेशन की संक्षिप्त में जानकारी। दिल्ली के माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके अदिति सिंघल के असम के तिनसुकिया पहुंचने पर बर्ड्स गर्ल हाई स्कूल और विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में वर्कशॉप। मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के दिए टिप्स। 10 मिनट मेडिटेशन के अभ्यास से दिन की शुरुआत करने का दिया सुझाव।
स्कूल के स्टाफ ने कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए बीके अदिति का किया धन्यवाद। सेवा केंद्र पर भी पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस विषय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाएं रही उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी के मार्गदर्शन में आयोजित रहे सभी कार्यक्रम। महाराज के पाचोरा पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान। माध्यमिक गर्ल्स हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर कार्यशाला। बीके भगवान ने कई महापुरुषों की कहानियों द्वारा जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाने का किया प्रयास। मेडिटेशन करने का भी दिया प्रशिक्षण। राजयोग शिक्षिका बीके नंदा ने बच्चों को चरित्रवान बनने के लिए किया प्रेरित। पुणे के डीवाई मेडिकल कॉलेज में पिंपरी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय मेडिटेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पिंपरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत कई बीके सदस्यों ने मेडिकल स्टूडेंट्स को राजयोग मेडिटेशन से मिलने वाले फायदों की विस्तार से दी जानकारी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर येवला को बीके अनूप और बीके संजय ने भेंट की संस्था की मासिक पत्रिका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्रह्मा कुमारी द्वारा केंद्रीय विद्यालय में कार्यशाला। राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु और बीके सुरेखा ने विद्यार्थियों से स्वामी विवेकानंद जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके जैसा चरित्र निर्माण करने की बात कही। स्कूल के प्रिंसिपल नंद किशोर सोनी ने कार्यक्रम को बच्चों के लिए उपयोगी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद किया। सोनीपत स्थित सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम। सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद को विशेष निमंत्रण। बीके प्रमोद ने कल करूर प्रोजेक्ट और शाश्वत यौगिक खेती की दी जानकारी। स्कूल के चेयरमैन प्रिंसिपल और पर्यावरण संरक्षण मनीष रॉय कार्यक्रम में मौजूद। भगवान जगन्नाथ पुरी जी के आस्था में पश्चिम बंगाल में निकाली गई रथ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज बर्धमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा को भी निमंत्रण। हजारों श्रद्धालुओं को बीके रूमा ने दिया परमपिता परमात्मा का परिचय और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से तनाव मुक्त रहने का दिया सुझाव। इंदौर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया एवं वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड का संयुक्त आयोजन। राजयोग शिक्षिका बीके दुर्गा को मुख्य वक्ता के रूप में मिला निमंत्रण। बीके दुर्गा ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देना होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता के बल पर ही भारत पहले भी विश्वगुरु था और भविष्य में भी होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के टोंग में ब्रह्मा कुमारीज और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद मालाकार के नेतृत्व में आयोजित रहा शिविर। बीके अर्पणा ने युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समान लीडर बनने के लिए किया प्रेरित। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।